हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भवा में। फ्रेंड्स, ये देखिए एकदम बेकरी स्टाइल बर्थडे स्पेशल जेल केक। खाने में बेहद टेस्टी और देखने में सुपर अट्रैक्टिव ये जेल केक हमने होममेड जेल से बनाया है, वो भी बिना एग या ओवन के एकदम सिंपलीफाइड तरीके से घर पे बड़े आराम से मिल जाने वाली इंग्रेडिएंट से। और फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, ये 100% फुल प्रूफ रेसिपी है और मल्टीपर्पज रेसिपी है जेल की। मतलब आप इसे केक डेकोरेट कर सकते हैं, केक पे राइटिंग कर सकते हैं और जिस तरह से भी चाहें उस तरह के डेकोरेशन या फिर ड्राइंग कर सकते हैं केक पे इस जेल की हेल्प से। तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं केक बनाना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी भव को तुरंत नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। तो केक बेक करने के लिए एक कढ़ाई मैंने रख ली है गैस पे। इसमें हम रखेंगे एक वायर स्टैंड और अब इसे एक लिड से कवर करके मीडियम आंच में करीब 10 मिनट तक प्रीहीट होने देंगे। केक बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 6 इंच का केक टिन और साथ ही मैं ले रही हूँ यहाँ पे इको बेक। और इस रोल में से अपने केक टिन के साइज का इको बेक कट करके हम केक टिन के बेस पे डाल देंगे। तो ये तैयार हो गया हमारा केक टिन, इसको रख देंगे साइड में। तो केक बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल में हम ले लेंगे 3 बड़ा चम्मच ऑयल, साथ ही इसमें जाएगी आधा कप और 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई शक्कर। शक्कर और ऑयल को हल्का सा मिक्स देंगे और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करीब 1/3 कप दूध, मतलब आधा कप से थोड़ा सा कम दूध, और साथ ही 1 चम्मच वनीला एसेंस। और अभी सारी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके हम एकदम स्मूथ कर लेंगे। इन केस आपके पास वनीला एसेंस नहीं अवेलेबल है तो आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मिक्स होके एकदम स्मूथ हो चुकी हैं और अभी इसमें मैं रख रही हूँ एक छन्नी। इसमें हम डालेंगे 3/4 कप मैदा, 3/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे। वैसे हर इंग्रेडिएंट की ग्राम में मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो अभी वेट इंग्रेडिएंट्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके हम एकदम स्मूथ और लम्प फ्री बैटर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए एकदम स्मूथ बैटर बन चुका है। तो अब मैं इसमें लास्ट में डाल रही हूँ 1 चम्मच विनेगर या नींबू का रस और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अपने बैटर में। और विनेगर भी मिक्स हो चुका है और हमारा बैटर फाइनली बनके बिल्कुल तैयार है। तो इसको हम अभी तुरंत अपने केक टिन में ट्रांसफर कर लेंगे। केक टिन को टैप करेंगे ताकि बैटर का लेवल बराबर हो जाए और इसके सारे बड़े एयर बबल्स भी निकल जाए। तो हमारी कढ़ाई भी अभी तक बिल्कुल अच्छे से प्री हीट हो चुकी है। तो इसका लिड हम हटाएंगे और अपने केक टिन को ट्रांसफर कर देंगे कढ़ाई के अंदर। वापस ढक्कन लगा लेंगे कढ़ाई का और अभी हमें केक को बेक होने देना है लो से मीडियम आंच के बीच में करीब 35 से 40 मिनट तक, या फिर तब तक के लिए जब तक कि अच्छे से बेक नहीं हो जाता। साथ ही कन्वेक्शन या अवन में इस केक को बेक करने के लिए 150 डिग्री पे प्री हीट करके अवन को केक को आप 35-40 मिनट्स के लिए बेक कर लें। तो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली 35 मिनट हुए हैं एंड लुक एट दिस, ऊपर तक आ गया फूल के केक। तो अभी मैंने ले लिया एक टूथपिक और इसको हम सेंटर में प्रिक करके अपना केक चेक करेंगे। एकदम क्लीन बाहर आई हमारी टूथपिक, मतलब हमारा केक एकदम परफेक्टली बेक हो चुका है। तो अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और अपने केक टिन को अपनी कढ़ाई से बाहर निकाल के एकदम अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी अपने जेल केक के लिए हम होममेड जेल बनाएंगे। तो इसके लिए एक पैन में मैं डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच शक्कर, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 3/4 कप पानी। और इन सारी चीज़ों को हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है एक साथ में, जब तक कि शक्कर घुल नहीं जाती। तो शक्कर अभी कम्प्लीटली पानी में घुल चुकी है और हमारा वाइट कलर का लिक्विड तैयार हो चुका है। तो अब इस मिक्सचर के पैन को मैंने रख लिया है आंच पे और अभी इसको लगातार चलाते हुए बिल्कुल धीमी आंच पे हमें पकाना है। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि इस मिक्सचर का कलर ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि जनरली केक के ऊपर जो जेल डाला जाता है वो केक जेल या फिर ग्लूकोज जेल जो है वो बाहर मार्केट में मिलता है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी मिलता है और आसानी से भी हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है। तो इसीलिए जो होममेड जेल है ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जेल केक बनाने के लिए, क्योंकि इसमें बड़ी आम सी इंग्रेडिएंट्स लगती हैं और इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है इसका। और यहाँ पे मैं वीडियो बिल्कुल भी कट नहीं कर रही हूँ, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया वीडियो सो दैट मैं आपको यहाँ पे दिखा पाऊँ कि किस तरह से वाइट जो लिक्विड था हमारा वो वाइट लिक्विड से धीरे धीरे करके एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड के जैसा बनता जा रहा है।
और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिक्विड के जैसा बन गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है, अभी फ्लोई लेकिन गाढ़ी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है जो हमें अपने जेल के लिए चाहिए, क्योंकि अभी जब ये ठंडा होगा तो ये थोड़ा सा गाढ़ा और हो जाएगा। तो इसीलिए इस स्टेज पे मैं गैस ऑफ कर दूंगी और अभी हमें अपने इस जेल को बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाने देना है। नाउ केक की फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले ली है ये व्हिपिंग क्रीम, और अब इसमें से 3/4 का व्हिपिंग क्रीम मैं यूज़ करूंगी। ये व्हिपिंग क्रीम एकदम चिल्ड है। और अभी मैंने ले लिया ये आइस वाटर वाला बोल, इस पे मैं रख रही हूँ वो बॉल जिसपे हमें व्हिप करनी है क्रीम को। ये वाला बोल भी मैंने 15 मिनट फ्रीजर में रख के ठंडा कर लिया था, और इसमें मैं डाल दूंगी ये अपनी 3/4 का व्हिपिंग क्रीम। और साथ ही जो क्रीम डब्बे में बच जाती है उसको आप या तो एज इट इज अच्छे से डब्बे को ऊपर से क्लोज करके रख दें, या फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में पैक करके फ्रीजर में रख दें। तो क्रीम को अभी हम व्हिप करना स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर से। इसके लिए हम बीटर से क्रीम को बीट करना शुरू करेंगे लो स्पीड से, और ये देखें करीब 2 मिनट बाद ये काफी गाढ़ी हो गई है। तो अब मैं स्पीड इसकी मीडियम पे कर रही हूँ और इसे फिर से व्हिप कर लेंगे। और ये देखें 3-4 मिनट तक और व्हिप करने के बाद अब हम अपने बीटर को हाई स्पीड वाले मोड पे डालेंगे, और इसे क्रीम को तब तक हम व्हिप कर लेंगे जब तक कि इसमें स्टिफ पीक बनने नहीं शुरू हो जाते। नाउ यहाँ पे इस व्हिप्ड क्रीम में मैंने शक्कर ऐड नहीं किया है क्योंकि ये ऑलरेडी मीठी है, लेकिन अगर आपकी व्हिप क्रीम मीठी नहीं है तो आप 1/4 कप पिसी हुई शक्कर ऐड कर लें। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें स्टिफ पीक्स बनने स्टार्ट हो गए, मतलब हमारी क्रीम एकदम अच्छे से व्हिप होके तैयार हो चुकी है। तो केक हमारा ठंडा हो चुका है, इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है हमारा केक। केक को अब हम फ्रॉस्टिंग के लिए एक धागे की हेल्प से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमने केक बोर्ड पे रख लिया है, इस पे हम अप्लाई करेंगे शुगर सिरप। जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में बताती हूँ, 2 बड़ा चम्मच शक्कर को 1/4 कप पानी में घोल लिया मैंने, तो ये मीठा पानी यानी कि शुगर सिरप बन के तैयार हो गया। अब इस पे हम लगा लेंगे अपनी व्हिप्ड क्रीम, अच्छी से एक लेयर इसकी लगा लेंगे हम। व्हिप क्रीम को बराबर करने के बाद अब मैंने ले लिया है ये मिक्स्ड फ्रूट क्रश। नाउ ये क्या होता है, ये बेसिकली मिक्स फ्रूट के फ्लेवर वाला क्रश होता है। इन केस आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पे मिक्स फ्रूट जैम, जो जनरली हम सभी के घरों में होती है, उसको बस चम्मच से हल्का सा मिक्स कर लीजिए ताकि वो स्मूद हो जाए, उसके थक्के से ना रहे, और उसको इस क्रश की जगह पे आप केक में यूज करें। तो इस क्रश को या जैम को हम फैला लेंगे क्रीम के ऊपर। इस पे रखेंगे हम केक की सेकंड लेयर, इसको भी हम अच्छे से ब्रश कर लेंगे शुगर सिरप से, और इस पे भी व्हिप क्रीम अप्लाई करेंगे, इस पे भी लगाएंगे फ्रूट क्रश। आज ये क्रश या जैम हम केक में इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि 1, तो इससे केक में एक बहुत ही बढ़िया सी फ्रेशनेस आएगी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। एंड 2, आप आगे वीडियो में देखेंगे कि ये हमारे केक की डेकोरेशन को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। और अब फाइनल और थर्ड लेयर हम केक की रख रहे हैं केक पे, इसको भी शुगर सिरप से मॉइस्ट करने के बाद इस पे व्हिप क्रीम की अच्छी सी थिक सी लेयर हम फैला लेंगे, और साथ ही हम केक के साइड्स पे भी व्हिप्ड क्रीम की लेयर को फैला लेंगे। और अभी हम अपने केक को बिल्कुल अच्छे तरीके से स्मूथ कर लेंगे किसी भी स्पैटुला या चाकू की हेल्प से, या फिर आप किसी भी क्लीन डेबिट कार्ड की हेल्प से भी ये कर सकते हैं। अब एक केक स्ट्रैपर की हेल्प से हम केक के साइड्स पे डिजाइन बना लेंगे और केक टॉप को स्मूथ कर लेंगे। वैसे ये केक स्क्रैपर और साथ ही जितने भी केक को डेकोरेट करने के लिए टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि नोजल, केक टर्न टेबल या फिर स्पैटुला, ये सब के सब आप कैसे घर पे ही बड़े आराम से बना सकते हैं, ये सब मैंने अपने एक वीडियो में शेयर किया हुआ है, और उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो प्लीज उसे जरूर चेकआउट करें। तो बिल्कुल स्मूथ हो चुका है हमारा केक। तो अभी इसको सेट होने के लिए हम फ्रिज में करीब 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमारा ये जेल बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है, और जैसा कि हमने देखा था अभी ये गाढ़ा भी हो गया है पहले से थोड़ा सा। तो इसको अभी मैं एक बोल में ट्रांसफर कर ले रही हूँ। नाउ अब इस जेल को हम देंगे फ्लेवर। तो क्योंकि हमने वनीला एसेंस डाला था अपने केक में, इसलिए इसमें भी मैं कुछ एक बूंदे वनीला एसेंस की ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मनमर्जी का कोई भी और फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसको अच्छा सा कलर देने के लिए एक ड्रॉप रेड जेल फूड कलर की भी मैंने इसमें डाल ली है, और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें रेड कलर ऐड कर रही हूँ, आप अपनी चॉइस से कोई भी और कलर ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, बन गया ना एकदम परफेक्ट मार्केट के जैसा न्यूट्रल जेल से बनाया हुआ वाला जेल। इसे देख के आपको बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा होगा कि आपको मार्केट वाला कोई जेल चाहिए या कुछ और बाहर से लाने की जरूरत है। और अभी हम अपने केक जेल को एक पाइपिंग बैग में ट्रांसफर कर लेंगे। पाइपिंग बैग के एंड को गांठ लगा के हम सिक्योर कर लेंगे लाइक दिस। तो केक को अब मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, और केक जेल वाली कोन के टिप पे हल्का सा कट लगा के हम केक जेल को केक के टॉप पे डाल लेंगे।
और फ्रेंड्स ना केवल केक के ऊपर पोर करके फैला के, बल्कि आप इस जेल से लिख भी सकते हैं केक पे, या फिर अपने हिसाब से कोई भी और ड्राइंग भी बना सकते हैं केक पे, क्योंकि ये एकदम अच्छे से सेट हो जाता है जैसे भी आप इसे ड्रॉप करते हैं, जब तक कि आप खुद इसे नहीं फैलाते। तो अभी सबसे पहले जो भी हमने अभी तक जेल पोर किया है उसको हम बिल्कुल अच्छे से फैला लेंगे अपने केक पे। और साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके जेल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है तो ये एकदम स्मूथली फैलेगा। और सेम जेल की कोन से हम केक के साइड्स पे भी जेल की ड्रिप्स बना लेंगे। एंड गाइस ये देखिए कितने अच्छे और स्टेबल ड्रिप्स बन रहे हैं केक पे। नाउ अब मैंने ले लिया एक पाइपिंग बैग और इसमें मैं डाल रही हूँ स्टार शेप की नोजल कोन। इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी क्रीम और इसमें हम डालेंगे एक ड्रॉप फूड कलर। यहाँ पे मैं येलो फूड कलर यूज कर रही हूँ, ये लिक्विड फूड कलर है, आप चाहें तो जेल फूड कलर भी इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब वीडियो में दिखाए गए तरीके से पूरी क्रीम में हमें इस पाइपिंग बैग के अंदर येलो कलर को फैला लेना है। वापस इस कोन को हम ओपन करेंगे और क्रीम को अब हम इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। अपनी सेम कोन से हम केक के टॉप पे वीडियो में दिखाए गए तरीके से व्हाइट एंड येलो शेडेड फ्लावर्स बना लेंगे और ओपन स्टार वाली छोटी वाली नोजल लेके भी हम थोड़े से छोटे फ्लावर्स बना लेंगे। तो अब अपनी एकदम थोड़ी सी बची हुई क्रीम को हम लीफ शेप वाली नोजल वाले पाइपिंग बैग में डालेंगे, एक ड्रॉप ग्रीन कलर भी इसमें मिक्स कर लेंगे और अब इससे हम शेडेड पत्तियां भी बना लेंगे फ्लावर्स के बीच बीच में। बची हुई व्हाइट एंड येलो क्रीम से हम केक के बॉटम पे ट्रेल बनाएंगे। और फाइनली इस ग्लेज को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से गोल्डन शुगर बॉल्स भी। तो फ्रेंड्स अभी केक का वेट भी ले लेते हैं, तो द वेट इज 637 ग्राम्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स बनके बिल्कुल तैयार हो गया हमारा बहुत ही ज्यादा स्पेशल जेल केक, हमारे होममेड जेल से बना हुआ। बेहद सुंदर लग रहा है केक, एकदम बेकरी वाले केक के जैसा, और खाने में तो उससे कहीं ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो प्लीज आप जरूर ट्राई कीजिएगा इसको घर पे बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी कुकिंग।